सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में रोगी इसलिए आते हैं कि उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, लेकिन यहां आकर उन्हें बेहद हताश होना पड़ रहा है। रोगी सुबह सुबह कतारों में लगकर पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर वह चिकित्सकों के कैबिन के आगे घंटों खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी चिकित्सकों के दर्शन नहीं हो पाते। अगर गलती से चिकित्सक आ जाता है तो तब तक कतारें इतनी लंबी हो जाती हैं कि रोगी कतारों में खड़ा खड़ा ही बेहाल हो जाता है। कुछ रोगियों का तो नंबर ही नहीं आता, तो उन्हें बेरंग घर वापस लौटना पड़ता है। इस सब की वजह है अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी। भाजपा और कांग्रेस सभी अस्पताल की दशा सुधारने का वायदा चुनावों के दौरान तो करते हैं, लेकिन आज तक स्थायी तौर में डॉक्टरों की संख्या को कई दशकों से बढ़ाया नहीं गया है, जिसके चलते मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। रोगियों ने बताया कि वह सुबह ही अस्पताल में आए थे, लेकिन अभी तक डॉक्टर अपने कैबिन में मौजूद नहीं है। डॉक्टर कब पहुंचेंगे इसकी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि अस्पताल में इलाज करवाने आए प्रत्येक रोगी को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। आईटीआई की छात्रा ने बताया कि वह कुछ देर की छुट्टी लेकर अस्पताल इलाज कराने आई है, लेकिन चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं बलदेव सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आया हूँ और सुबह से यहाँ पर्ची कटा के बैठा हुआ हूँ। ना यहाँ कोई 109 में और ना 103 में डॉक्टर है, और अब जो 103 में डॉक्टर है अब यहाँ बहुत लंबी भीड़ लग चुकी है और ना यहाँ लोगों को बैठने के लिए कोई सुविधा है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम एक एक वार्ड में दो दो डॉक्टर होने चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। हम सुबह 9:30 बजे से यहाँ पे आए हैं, बट अभी तक एक तो यहाँ पे रश ही बहुत ज़्यादा है और कोई बैठने की सुविधा भी नहीं है, सब लोग खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर की टाइमिंग देखो ड्यूटी की, तो 10 बजे अगर ड्यूटी की टाइमिंग है तो अभी 11:30 आसपास ये लोग पहुँच रहे हैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए, मतलब नंबर ही नहीं लग रहा है। सुबह से परेशान है जनता। मेरा नाम कामिनी वर्मा है, मैं गवर्नमेंट आईटीआई सोलन की स्टूडेंट हूँ। हम लोग यहाँ पे आधे घंटे के लिए हाफ टाइम लेकर आए थे और हमारी एक फ्रेंड बीमार है, उसके पेट में बहुत दर्द है। हमें यहाँ पे आधा घंटा हो गया कम से कम पर्ची कटाए हुए, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हम चाहते हैं कि एक ब्लॉक में कम से कम दो डॉक्टर तो अवेलेबल हो, ताकि यहाँ पे और लोगों को दिक्कत ना सहनी पड़े। हमें ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती आईटीआई से।